हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट आपको रिवाइज करते टाइम लगेगा, बाकी जो है आपको लंबे समय तक याद रहेगा जी। बहुत सारे अपडेट यहाँ पर जो है टेलीग्राम में देते रहता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, डेली बेस पर यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है जी, क्वेश्चन यहाँ से मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन, मान के चलिए 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, तो किस मंत्रालय ने, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है प्रोजेक्ट परी की जो है शुरुआत किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट परी किससे संबंधित है, कौन से मंत्रालय से, तो आंसर आपको पता होना चाहिए जो है किससे संबंधित है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको जो स्टार्ट किया गया और इसके तहत 46वीं, ठीक है, 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए परियोजना को जो है इसको शुरुआत की गई है। इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट परी के उद्देश्य यह है कि भारतीय जो सार्वजनिक कला का उद्देश्य, सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के माध्यम से भारत की समृद्ध कलात्मक जो विरासत को जो है प्रदर्शित करना है, पूरा दुनिया भर में जो है इसको जो है प्रदर्शित करना है। आप सभी को पता है कि भारत जो है कला और संस्कृति के लिए जो है जानी जाती है। ठीक है, इसी के जो है पूरा देश विदेश सभी जगह जो है इसका जो है प्रदर्शन करना है, आगे लाना है। ठीक है जी, इसी के लिए लगभग जो है प्रोजेक्ट परी जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये जो है शुरुआत की गई है, जिसमें भारत के चित्र हो गया, मूर्ति हो गया, पटचित्र, और यहाँ पे जो है पेंटिंग वगैरह, यहाँ पे जो है मूर्तियाँ वगैरह, यहाँ पे जो है ये सभी जो है चित्रण जो है यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ जो है स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभिमान जो है अभियान का जो शुभारंभ किया है, मुंबई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। याद रखिएगा, भुवनेश्वर की, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और कल बताया था मैंने जो है 4 दिवसीय दौरे पे जो है, ठीक है, यात्रा पे जो है भुवनेश्वर में दौरे पे हैं। ठीक है जी, इसी के तहत यहाँ पे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे भुवनेश्वर में यहाँ पे जो है स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान शुभारंभ किया। कहने का मतलब ये है, ठीक है, आप सभी को पता होगा जो हमारी जी प्रकृति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लगातार ग्लोबल वार्मिंग, भूस्खलन में अगर बढ़ती जा रही है, तो प्रकृति हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको जो है समझाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि जो प्रकृति और एनवायरनमेंट के जो बचाव के लिए आप काम करिए। ठीक है, इस तरह लोगों को जागरूक करने के लिए अभ्यास को जो है चलाई जा रही है, कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि उड़ीसा की राजधानी है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, मांझी जी अभी बीजेपी पार्टी के यहाँ पे नए मुख्यमंत्री बने, पहले नवीन पटनायक थे यहाँ के मुख्यमंत्री, अब यहाँ के जो है मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी के आगे हो गए, चेंज हो गए। ठीक है जी, यहाँ के गवर्नर कौन है? रघुवर जो दास है, यहाँ का भी जो है गवर्नर है, राज्यपाल है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24, ठीक है, तो वित्त वर्ष जो है 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो ये जो है 6%, याद रखिएगा। तो मतलब पिछले साल देखेंगे तो लगभग ये आपका जो है इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो इसमें लगभग 15%, याद रखिएगा, 15% की इसमें जो बढ़ोतरी हुई है और इस साल का और मिला के, तो जो है वित्त वर्ष 2023-24 की बात कर रही है, भारत की जो बेरोजगारी दर जो है 6% यहाँ पे जो है रही है। ठीक है, 2023-24 की बात कर रही है, मतलब जो है बेरोजगारी दर यहाँ पे जो है बढ़ती जा रही है, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? बांग्लादेश, रूस, ऑस्ट्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। याद रखिएगा, रूस के दौरे पे अभी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे गए हुए हैं। ठीक है, रूस की बात करूँ, मास्को इसकी राजधानी है, रूस आपका यूरोप के अंतर्गत आती है, व्लादिमीर जो पुतिन है यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी यहाँ पे गए थे, यहाँ के जो राजधानी है रूस की मास्को, यहाँ पे जो अज्ञात सैनिकों की समाधि पर इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, और साथ ही साथ यहाँ के जो है सर्वोच्च सम्मान से भी इनको जो है सम्मानित किया गया रूस का, याद रखिए। ये जो समाधि स्थल है
द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान जो है यहाँ के जो सैनिकों ने यहाँ पर जो है प्राण समर्पित किए थे, यही जो है समाधि पे इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है रूस में, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नादार को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मिला है, सम्मानित किया गया है, रूस, जर्मनी, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो एसीएल कंपनी जो है, ठीक है जी, ये आपका जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसी के जो अध्यक्ष हैं रोशनी नादर, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं आपके रोशनी नादर, इनको जो है हाल ही फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? फ्रांस के द्वारा, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ का भी जो है अभी प्रेसिडेंट है, तो फ्रांस के जो है यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिए, जिसको यहाँ का नागरिक सम्मान को जो है फ्रांस के सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर के नाम से जानते हैं, ठीक है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। तो जो है आईटी सेवा कंपनी के जो है अध्यक्ष रोशनी नादार नाम को याद रखिएगा, इनको जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है इनको जो है उत्कृष्ट जो है उनके सेवा और काम की वजह से इनको जो है दिया जा रहा है, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, स्मृति मंधाना, जसप्रीत बुमराह, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह, ठीक है जी। ये जो है भारत के जाने माने जो स्मृति मंधाना जानते होंगे, ठीक है, महिला क्रिकेट प्लेयर हैं, और जसप्रीत बुमराह को तो सभी जानते हैं, बताने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। इनके उत्कृष्ट खेल और योगदान की वजह से, ठीक है जी, इनको जो है जून महीने 2024 के, ठीक है, पिछले महीने के जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह, मतलब जो है उपयुक्त दोनों, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है जो जसप्रीत बुमराह इनको जो है विश्व कप के दौरान अकेले 8 मैचों में 15 विकेट लेने की वजह से इनको जो प्लेयर ऑफ द जो है टूर्नामेंट इनको जो है चुना गया है। वहीं जो महिला टीम के उप कप्तान है स्मृति मंधाना को जून के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको घोषणा किया गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने जो है बहुत उपलब्धि जो है हासिल किया है इसलिए। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में जो है जेन एआई इनोवेशन ने कौन से स्थान पर रहा है, जापान, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। जेन एआई मतलब, ठीक है, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आविष्कारक या जो टेक्नोलॉजी में जो है बेहतर काम करने के लिए इसको जो है एक इनोवेशन जो है निकाली जाती है, ठीक है, मतलब जो टेक्नोलॉजी के मामले में कौन सा जो है टॉप पर है, ऐसा करके जो है सूची निकाली गई। तो इसी मामले में जो है चाइना फर्स्ट स्थान है, ठीक है, इसका चाइना फर्स्ट स्थान में है। भारत का जो रैंक है इसमें जो है कितने नंबर, पांचवा नंबर है, ठीक है। तो भारत का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना से वैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। तो जेन आई इनोवेशन में जो शीर्ष स्थान जो है चाइना रहा है, पांचवा स्थान हमारा भारत का रैंक। तो ये जो है नवाचार और विकास इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में बेटर काम करने के लिए जो है रैंक को निकाली जाती है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसको मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है, याद रखिए। तो महाराष्ट्र को जो है एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की जो ओर से 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का जो पुरस्कार दिया गया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे जी, ठीक है, इनको जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के हाथों से जो पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जो, ठीक है, मतलब जो नई पद्धतियों के साथ जो है कृषि यहाँ पे जो है कराई जा रही, सरकार के द्वारा बहुत सारे पहल यहाँ पे जो है खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ये जो है खास करके इन मुद्दों पे जो है कृषि और इन्वायरमेंट के देखते हैं यहाँ पे जो है, ठीक है, जो कीटनाशक दवाई होती है यहाँ पर बहुत छिड़काव कम करने, और इसी उद्देश्य जो है कृषि को जो है मतलब अच्छी तरह से करने के लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए जहाँ पर सरकार कदम उठा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जो है महाराष्ट्र ने जो है मिला हुआ, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में जो है महाराष्ट्र को ये पुरस्कार दिखा है। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे जो है महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट रोल भी करती है, ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। बताया यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के जो है एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस यहाँ के जो है राज्यपाल है, ठीक है, मुख्यमंत्री बताया मैंने, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नवा क्वेश्चन, हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं, सुरेश रैना, गौतम गंभीर, अनिल कुंबले या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो टीम इंडिया के
जो हेड कोच किसको बनाया गया है, तो गौतम गंभीर, याद रखिए सभी जानते होंगे गौतम गंभीर को। तो अभी हवाई इंडिया टीम के हमारे हेड कोच कौन बने हैं, अब गौतम गंभीर को बनाया गया है। ठीक है, तो भारतीय जो है पुरुष जो क्रिकेट टीम के जो हेड कोच इनको बनाया गया है, ठीक है, BCCI के द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए HOC बने हैं, सिलनागू, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, यू ललित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यू ललित, याद रखिए नाम को याद रखना है आपको। तो जो पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए HOC, ठीक है, बने हैं यू ललित। यहाँ पे जो यू ललित कौन है, तो हमारे भारत के, ठीक है, ये जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, ये जो है इनके जो प्रमुख कुलपति के नियुक्ति समिति के जो प्रमुख इनको बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुलपतियों की नियुक्ति के लिए इनको जो है चुना गया है, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यहाँ पे जो विश्वविद्यालय में, याद रखें जो यूनिवर्सिटी होते हैं, विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति की जो है निगरानी के लिए यहाँ पे जो है ये जो है यू ललित को जो है यहाँ पे कुलपति की नियुक्ति के लिए यहाँ चुना गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए 11वां क्वेश्चन, हाल ही में पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, याद रखिएगा। तो हरियाणा के जो पंकज अग्रवाल इनको जो है हरियाणा राज्य के जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी इनको बनाया गया हरियाणा के। ठीक है जी, हरियाणा के चलिए बात करते हैं। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो नायाब सिंह जो सैनी यहाँ के अभी जो है मुख्यमंत्री। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है, जियो, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप, याद रखें। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में होना है, इसी के लिए जो हमारे भारतीय टीम के जो मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है, अडानी ग्रुप है। कहने मतलब अडानी समूह के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, इन्होंने घोषणा किया है कि जितने भी जो भारतीय दल के, ठीक है, ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल की जो तैयारियों को जो है इसके प्रमुख जो प्रायोजक यहाँ पे जो है अडानी समूह ने जो है ये चैंपियन को अपना जो है समर्थन जो है संकल्प लिया है। और इसकी घोषणा जो है गौतम अडानी जो चेयरमैन हैं अडानी समूह के, ठीक है, ग्रुप के, इन्होंने इसने जो घोषणा किया गया है। ठीक है, तो 2024 में ओलंपिक खेलों के लिए जो पेरिस जाने वाले भारतीय टीम को जो है प्रायोजक कंपनी बनी है। ठीक है, तो सभी जो है एडवर्टाइजमेंट जो है आपको जो है अडानी ग्रुप पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है जी, और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा ओलंपिक का, ठीक है, तो ये जो है 26 जुलाई, याद रखिए 26 जुलाई से ये आपका 11 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये जो है पेरिस ओलंपिक होने वाली है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। और भारत के तरफ से लगभग 120, ठीक है, भारत में जो है भारत की तरफ से करीब 100 टीम, मतलब जो है 120 एथलीट इसमें जो है हिस्सा लेने वाले हैं भारत की तरफ। और इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में, यहाँ पे इसका जो है आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर जो है माफ किया है, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हाइब्रिड कारों को बढ़ावा दे रही है यहाँ पे सरकार, योगी सरकार ने रजिस्ट्रेशन टैक्स यहाँ पे माफ़ किया है और 3 लाख रुपए तक यहाँ पे छूट दी गई है। ठीक है जी, स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों पे पंजीकरण में यहाँ पे माफ़ किया गया योगी सरकार के द्वारा। और इसके तहत यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे जो है ठीक उन कारों को यहाँ पे जो है यूज करने के लिए बोला जा रहा है, जो है आपका पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक हो, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाए, धुआं रहित हो, इसीलिए जो है हाइब्रिड वाहनों पे जो है पंजीकरण माफ़ किया गया है। ठीक है जी, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, अभी उसके बारे में मैंने बताया। तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक, ठीक है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है, निखत जरीन, PV सिंधु, प्रियंका गोस्वामी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा PV सिंधु, सभी जानते हो PV सिंधु। ठीक है, तो महिला ध्वजवाहक इनको जो है बनाया गया है PV सिंधु को, इनको जो है भारतीय दल के लिए जो महिला ध्वजवाहक के रूप में इनको जो है चुना गया है। आप सभी को पता होगा, अभी बताया मैंने, पेरिस में जो है इसका आयोजन होना है 26 जुलाई से। और PV सिंधु को सभी जानते हैं, ठीक है, हमारे भारत के जाने माने जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है जी, तो ये जो है महिला ध्वजवाहक के रूप में इनको चुना गया है। अगर वहीं मैं पुरुषों की, अगर वहीं ऑप्शन आपसे बोल दे कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की यहाँ पे
कट करके पुरुष ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो यहाँ पर जो है शरद कमल आ जाएगा। ठीक है, शरद कमल कौन है, तो शरद कमल जो है हमारे टेनिस के दिग्गज प्लेयर है भारत के। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे बनना स्वेयर है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।